गया था ना। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। बंबई, ये शहर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है। दबंग 4 पर जल्द लगेगी मुहर। फाइनली सलमान खान ने चुलबुल पांडे के कमबैक को लेकर तोड़ी चुप्पी। फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे के किरदार फैंस सलमान खान को देखना काफी पसंद करते हैं। लंबे वक्त से इस सफल फिल्म फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट को लेकर सुर्खियां तेज है, लेकिन अभी तक दबंग 4 की मेकिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच अब सलमान खान ने खुद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। भाईजान ने बताया है कि क्या आने वाले दिनों में दबंग 4 पर मुहर लगेगी और फिलहाल ये किस वजह से रुकी हुई है, आइए जानते हैं कि दबंग 4 को लेकर सलमान ने क्या क्या अपडेट दिया है। दबंग फ्रेंचाइजी सलमान खान के छोटे भाई और निर्माता अरबाज खान की मूवी है। इस फिल्म को लेकर कभी अरबाज की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो कभी मीडिया रिपोर्ट्स नया बज क्रिएट करती है। इन सब के बीच अब सलमान खान ने दबंग 4 पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में अरबाज खान की नई फिल्म पटना शुक्ला की स्क्रीनिंग के दौरान सलमान से दबंग 4 को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर भाईजान ने कहा है बहुत जल्द ये फिल्म बनेगी, जिससे दोनों भाई एक स्क्रिप्ट पर लॉक हो जाएंगे, इसका निर्माण जरूर होगा। फिलहाल इनको कुछ और बनानी है और हम कुछ और चाहते हैं, इसकी वजह से पेच फंसा हुआ है, लेकिन जैसे हम दोनों के विचार एक कहानी पर सहमत हो जाएंगे इसके बाद ही दबंग रिलीज हो जाएगी। सलमान के इस ताजा बयान के बाद यकीनन तौर पर दबंग 4 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ने वाली है। साल 2010 में दबंग फिल्म फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई। इस फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से फैंस का दिल जीता और चुलबुल पांडे के नए अवतार में सलमान खान ने अपनी अलग पहचान बनाई। आलम यह रहा कि साल 2012 में दबंग 2 और 2019 में दबंग ने भी सफलता के क्रम को जारी रखा।